किया है, उन्होंने बोल दिया कि आपकी मुखालफत की है, उस वजह से हमने उनके अलाज किया है। देखिए अमित शाह कह रहे हैं कि एसपा पे हमारा झगड़ा हो गया है, जो राम माधव जी है वो कुछ और कह रहे हैं और आप प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। तो बेसिक हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है, जिसमें मैं उनको इंसिस्ट कर रही थी कि अमल होना चाहिए, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, एसपा रिवोक होना चाहिए, सीज फायर आगे बढ़ना चाहिए, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमारा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जो मैंने रसाना केस में दो मिनिस्टर ड्रॉप करने के लिए उनको इंसिस्ट किया, तो ये सारे जो मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर वापस लिए, जमात इस्लामी के खिलाफ मैंने एक्शन नहीं लिया, ये तमाम मुद्दों पे हमारा आपस में तजाद हो रहा था, इसलिए सरकार गिर गई तो गिर गई, अब क्या कर सकते। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी ने यहाँ की जो खुशी पोजीशन थी उसको नीलाम कर दिया है, फारूक साहब अब फारूक लीडर है, मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूँ, वो सुबह क्या कहते हैं शाम को क्या कहते हैं वो आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, बहुत बुरा है। देखिए ये जम्मू कश्मीर यहाँ के लोगों का है, ये किसी को हक नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कदगन लगाए कि वो ये फैसला करें कि जम्मू कश्मीर के लोग किस दिन सड़क पे चलें और किस दिन सड़क पे ना चलें। दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे वो रोड पे चल सकने चाहिए, उनकी गाड़ी चलनी चाहिए। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दे दी है कि यहाँ पे सियासी लीडरों की जो है सिक्योरिटी वापस ले ली गई है।